नमस्कार मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। मंजू जी नमस्कार, दर्शकों को भी नमस्कार। मनीष जी, बड़ी जल्दी रंग बदल लिया है, केजरीवाल ने राम भक्त हो गए हैं। क्या माना जाए, राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो सुनामी चल निकली है उसको उन्होंने भांप लिया है पहले। देखिए, भारतीय राजनीति में एकमात्र व्यक्ति जिनको गिरगिटानंद कहा जाता है, तो गिरगिट जो है वो रंग बदलने के लिए जाना जाता है। केजरीवाल के अलावा आपने गिरगिटानंद शब्द किसी के लिए नहीं सुना होगा, इसीलिए रंग बदलने तो उन्हें आता है। लेकिन मैं अक्सर कहता हूं अंजू जी की केजरीवाल भारतीय राजनीति में दूसरे नेताओं से की अपेक्षा आप उनको मूर्ख नहीं कह सकते, आप उन्हें धूर्त कह सकते हैं, आप उन्हें घटिया व्यक्ति कह सकते हैं, आप उन्हें नीच भी कह सकते हैं, बहुत सारी उपमाएं दे सकते हैं, लेकिन केजरी मूर्ख नहीं। वो लालू यादव के बेटों की तरह नहीं है, वो अखिलेश यादव नहीं है, वो उद्धव ठाकरे या उद्धव ठाकरे के बेटे की तरह नहीं है, वो संजय राउत नहीं है, वो चालाक है, चालाक है, वो शातिर है, और शातिर लोग ज्यादा खतरनाक होते हैं। दरअसल आप जब अरविंद केजरीवाल को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यही अरविंद केजरीवाल था जिसने कहा था कि मैंने अपनी नानी से पूछा कि नानी अब तो आप खुश होंगे कि बाबरी विध्वंस हो चुका हुआ है। तो चूंकि उस उम्र के लोग और ऐसे भी हैं कि मेरी दादी माँ भी, मुझे याद है बचपन वो कहती थी अयोध्या जी, चूंकि बिहार के प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा फर्क होता है लेकिन अयोध्या जी कहती थी, अयोध्या मैंने उसके मुंह से कभी नहीं सुना। और ये परंपरा सनातनियों में है, अयोध्या को लोग सीधी अयोध्या नहीं बोलते हैं, ये मेरी दादी बोलती थी ऐसा नहीं है, आपकी दादी भी बोलती होंगी उस समय, ये परंपरा इसी ढंग से लोग मान, तो अपनी दादी से वो जोड़ रहा है, वो देखिए नानी से जोड़ रहा है, वो ये चीजें समझ में आ रही है कि वो किस स्तर तक का कहां से क्या कर सकता है। वो उस समय उसे लगा ये चीजें सूट कर रही है, उस समय लगा कि वामपंथियों का एजेंडा, चूंकि उस दौर में टेलीविजन चैनल पे जो लोग वामपंथी एजेंडावाद लिबरल लिबरल लिब्रांडू बैठा करते थे वो एजेंडा तय करते थे। आज की तारीख में नैरेटिव को हम और आप जैसे लोग यूट्यूब पे काटने के लिए बैठे हैं, सोशल मीडिया की बड़ी ताकत है, हमारे और आपसे ज्यादा ताकतवर लोग आम पब्लिक है जो बड़ी संख्या में फेसबुक ट्विटर पे नैरेटिव को काट दे रहे हैं, और रवीश पांडे टाइप के लोग जो उस समय एजेंडा चलाते थे वो एजेंडा धड़धड़ा कर गिर गया, जिन लोगों को एक गुमान था कि बड़े बड़े संपादक हैं उनकी औकात देखिए कि आप यदि उनको ट्विटर हैंडल पे आप जाकर देखिए तो कितनी गालियां पड़ती है, एक एक ट्वीट पे आपको उनके फेवर में आपको 1% लोग नहीं दिखाई देंगे। मैं कई बार चौंकता हूं फिर यूट्यूब पे उन्हें कौन देखता है। मैं तो भारत सरकार से अपने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से मांग हमेशा करता हूं कि इनके ट्रैफिक को चेक कीजिए आप, जिनको इतनी गालियां पड़ती है उस रवीश पांडे को देख कौन रहा है, ये सनसनीबाज को देख कौन रहा है, ये धान गेहूं विशेषज्ञ जो है चिकना है उसे देखता कौन है, इस चिकनों को कि जिनको जिनको बोलने की तमीज नहीं है, इतने दिनों तक संपादक कैसे थे, मेरा खुद का संपादक सनसनीबाज हुआ करता था, सालों तक मेरा संपादक रहा, उसे आज तक बोलने नहीं आता है, वो दो चार चीजों लोगों को बुला करके अपने स्वजातीय कुछ संपादकों को बुला करके अपनी दुकान चलाता है। मेरा कहने के लिए का मतलब ये है कि उन लोगों ने नैरेटिव चलाया तो उसको लगा कि नानी वाला टेक्स्ट ठीक है, लेकिन केजरीवाल, मैं फिर कह रहा हूं केजरीवाल लालू यादव के बेटे की तरह मूर्ख नहीं है जो कह दे कि हम राम जी को नहीं, हम तो अयोध्या नहीं, हम तो मथुरा जाएंगे। दूसरा बेटा कहे राम मंदिर से क्या होता, आज की तारीख में भी कोई ऐसे कैसे कह सकता है कि राम मंदिर बनाने से क्या होता है, राम मंदिर बनाने से देख फेल से और क्या उम्मीद करेंगे। बस तो वो लेकिन जाति के आधार पर उसे लगता है कि वोट उसकी जाति के लोग और तुष्टिकरण का वोट यदि मिल जाए तो उसे लगता है कि हो जाएगा, लेकिन केजरीवाल इन सब से अलग है। केजरी ने लिटमस पत्र पे अंजू जी टेस्ट कर लिया, उसे दिखाई दे दिया कि कैसे भगवा ध्वज, भगवा गाली था अंजू जी को देर पहले तक लोग, मुझे याद है कि हम लोग जब किसी कॉन्फ्रेंस में कहीं जाते थे तो ऐसा कुछ होता था तो लोग जैसे बताए कि ऐसा मंच ऐसी सजी हुई होती थी तो आपको बताया आपका नाम, जी मैं मनीष ठाकुर हूं, तो मनीष ठाकुर लेकिन सर मैं सेक्युलर हूं, ये कहते थे लोग इस तरह से, मतलब भगवा डाली था आपको अपने नाम में, अंजू पंकज के नाम में आपको यदि किसी संपादक के पास जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा कि आप जो है सेक्युलर हैं। मैं आपको एक छोटी सी चीज बात बताता हूं, मैं सहारा अखबार में उस समय में मास काम करके आया था, मेरा परमानेंट नहीं हुआ था उस समय में, एक व्यक्ति थे जो मुझे किसी ने बताया कि आरएसएस के बैकग्राउंड से हैं, वो मेट्रो एडिटर हैं,
और मुझे कहा उनके पास जाइएगा। अब मैं पब्लिकली बोल रहा हूं इस बात को, आजकल देखता हूं उनकी बड़ी भाव भंगिमा है, वो मंदिर में भी विशेष अपील की। फिर मैं उनके चैम्बर में गया, मैंने कहा फलाना जी ने मुझे कहा है कि आपसे मिलने के लिए, मेरा बहुत दिनों से परमानेंट हो नहीं पा रहा है। उन्होंने कहा किसी को बताना मत यार, मत बताइएगा कि मेरा संघ का बैकग्राउंड है। आज क्या हालात बदले हैं, जो लोग जिनका संघ से कोई वास्ता नहीं, वो कहते मैंने प्रथम वर्ष किया है, मैंने द्वितीय वर्ष किया है, ये कौन लोग हैं? ये अरविंद केजरीवाल के तरह लोग हैं जो पत्रकारिता में घुस गए हैं, मौज ले रहे हैं, कहीं दूरदर्शन में सेट हो रहे हैं, कहीं लोकसभा में सेट हो रहे हैं, फलाना जगह। मनीष ठाकुर को या अंजू पंकज को उसकी जरूरत नहीं। मुझे कई लोग कहते हैं यार सत्ता से फायदा, मैं पब्लिक मन से कहता हूं किसी की औकात नहीं है कि बता दे कि मनीष ठाकुर के लिए उसने उसने चार पैसा जो कहीं खर्च किया है। यही कारण है कि मैं संसदीवादों को ठुकाई कर पाता हूं, यही कारण है कि इन चिरकुटों को मैं ठुकाई कर पाता हूं। मैंने कोई अपेक्षा नहीं पाली हुई है कि हाँ मैं यदि ऐसा करूंगा मैं बन तो मुझे सरकार खुश हो जाएगी, मैं दूरदर्शन में मुझे कोई दीवार मिल जाएगा, लोकसभा टीम। मैं तो जहां बेस्ट बेल्ट जाता था मैंने वहां भी जाना बंद कर दिया। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं, अपनी प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस चीज को समझना पड़ेगा कि जो लोग चालाक होते हैं ना वो अपनी जगह पर सेट कर लेते हैं गोटी को। इस पेशे में देखिए कि जो जो व्यक्ति उस समय मुझे सहारा में एडिटर के रूप में मिला था, जिसने मुझे बंद कमरे में कहा कि बाहर मत बताना कि मैं संघ से हूं, आज संघ से होने के कारण मुझे कितने फायदे हो रहे हैं वो देखिए। लेकिन हम जैसे लोग, और वो कुछ नहीं करते होंगे पब्लिकली, अपने आप को जीवन भर उन्होंने अपने आप को सेक्युलर पब्लिक मैन से बनाया, लेकिन आज के माहौल में वो क्या करते हैं, ऐसे बहुत सारे गीदर। केजरीवाल उसी गीदर का सरगना है, उन्हीं गीदरों का सरगना है। मेरे कई ऐसे मैं मित्र को जानता हूं जिन्होंने अपने आप को इसमें जबरदस्त फायदा उठाया, आज मौज ले रहे हैं। अब मैं एक बात क्यों कह रहा हूं कि केजरीवाल को, चूंकि आप केजरीवाल को लेकर आ रहे हैं तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, देखिए कितना शातिर है, मैं क्यों तुलना कर रहा हूं लालू यादव। इस आदमी ने मौसम को समझ लिया, ये मौसम वैज्ञानिक रामविलास पासवान की तरह ही है कि सत्ता जिधर जाएगा उधर जिधर, एक बिहार में कहावत है जिधर देखे खीर उधर गए फिर, तो ये उस तरह का भी नहीं है कि ये जाएगा और नरेंद्र मोदी से मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं करेगा। ये दूसरे किस्म का आदमी है, इसे पता है कि इसको वोट करने वाला वो वोटर है जो नरेंद्र मोदी को लोकसभा में वोट करता है, ये फर्क है। इसीलिए इसने अपना रंग गिरगिट की तरह बदल दिया, राम भक्ति में अपने बाबूजी को ले जाऊंगा, मम्मी को ले जाऊंगा। इससे पूछा कि तुम्हें बुलाहट हुई, कहा ना ना मुझे बुलाया नहीं आया था। इसने अपनी जलालत भी तो किसी कैसे कहता कि नहीं नहीं मैं तो किसी लायक नहीं, मुझे किसी ने बुलाया नहीं। हाँ हाँ आया था, चिट्ठी आया था, लेकिन कोई मुझे मिलने नहीं आया, गोल गोल कर दिया। इसकी धूर्तता को देखिए, इसे ऐसा वोटर जो अपने आप को सनातनी मानता है लेकिन वो उससे बिदक नहीं जाए, वो जो ये माने कि चलो दिल्ली के लिए केजरीवाल ठीक है, अपने आप को यदि एंटी हिंदू ये साबित कर ले, क्योंकि इसे पता है कि दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली एनसीआर की सड़कों के हालात क्या थे। आप देखिए, मैं तो अभी कल पर तो आज या कल नहीं निकला हूं सोसाइटी से बाहर नहीं गया मैंने जीवन में, आपने इस देश की सनातन समाज ने मुझे लगता है कई कई पीढ़ियां ने कभी नहीं देखा होगा सड़कों पे भगवा ध्वज कभी हो, क्या आलम है। दिल्ली एनसीआर में सड़कों पे तिरंगा हुआ करता था, आजकल होगा तिरंगा, 26 जनवरी है तो होगा ही तिरंगा, लेकिन हमने सिर्फ भगवा देखा। केजरीवाल उसको भांप गया और इसीलिए उसने प्राण प्रतिष्ठा का जय जयकार करना शुरू किया। तो केजरीवाल की अलग राजनीति है, केजरीवाल से बहुतों को बहुत कुछ सीखना है। बिल्कुल, और आप ये देखो ना कि मतलब कि कम से कम हफ्ता भर पहले ऐलान कर दिया सौरभ भारद्वाज ने कि हर महीने के पहले मंगलवार को 2600 मंदिर है दिल्ली में, उन सब में सुंदरकांड का पाठ होगा, हनुमान चालीसा का पाठ होगा। फिर ये कहा गया कि, और फिर सबसे मजेदार बात ये कि संगठन बनाकर कि ये आम आदमी पार्टी के कार्यक्रमों का हिस्सा होगा, मतलब यहां तक कर दिया गया। तो ये तो सही कह रहे हैं आपके, बिल्कुल धूर्त तरीके से उसने भांप लिया कि ऐसा होने वाला है। लेकिन क्या लगता है आपको, जो लोग केजरीवाल के घोटालों की एक लंबी चौड़ी फेरिस्त दिल्ली में देख चुके हैं, केजरीवाल ने किस तरह से शाहीन बाग को बसाने में मदद की थी, केजरीवाल ने किस तरीके से ताहिर हुसैनी था ना वो दिल्ली दंगों में जो था, तो केजरीवाल ने किस तरह से इमामों की यहाँ पर तनख्वाह बढ़ाई दिल्ली में, वक्फ बोर्ड को कैसे फेवर किया, करोड़ों की संपत्ति उनकी बनवा दी। तो जो लोग अरविंद केजरीवाल को जानते समझते दिल्ली के लोग, वो तो इस झांसे में नहीं आने वाले ना। बिल्कुल, अब कैसे कहा जाए इस झांसे में नहीं आने वाले हैं, वही लोग झांसे में आए भी बहुत हद तक। अब ये कई बार समझ में नहीं आता, इसकी वजह मुझे लगता है दो चीजें हैं, आंख मूंद करके भी हम और आप सोचेंगे, इसकी वजह दिल्ली बीजेपी भी है। हम लोग अक्सर कई बार अपने शो में चर्चा इसकी करते हैं, मेरा अक्सर होता है कि इसकी वजह दिल्ली बीजेपी है। जनता के पास यदि विकल्प नहीं होगा, जनता के पास केंद्र में नरेंद्र मोदी जैसे कद का कोई नेता नहीं है,
लेकिन वही जनता यदि बिहार में कुछ और फैसला ले लेती है, उत्तर प्रदेश में कुछ और फैसला, जिसके उत्तर प्रदेश में योगी के कद तक दो दो बैठाए गए थे ना डिप्टी सीएम, योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी लकीर इतनी लंबी कर दी कि जब बौने पर गए जातिगत समीकरण के हिसाब से दो बैठाए गए। जब आप अपनी लकीर, आपको दूसरे की लकीर छोटी करने की जरूरत नहीं होती है, जरूरत होती है आप अपनी लकीर कितनी बड़ी कर देते हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपनी लकीर इतनी बड़ी कर दी कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में नेता बौने पर गए। इसीलिए लोग कहते हैं कि हमें अब मोदी जी के बाद योगी जी चाहिए। जब तक मोदी जी हैं ठीक है, योगी इतने बड़े देश में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री क्यों चाहिए? क्यों लोगों ने कहा कि नहीं गुजरात का मुख्यमंत्री नहीं हमें चाहिए? देश में गुजरात में यूपी बिहार की चर्चा होती है कि पॉलिटिक्स में ये लोग हैं, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है, कि अहमदाबाद से कैसे चला गया दिल्ली का रास्ता, कि पूरे देश ने पूरे ध्रुव ही बदल दिया कि अहमदाबाद से ही दिल्ली का रास्ता जाएगा, और दो अहमदाबादी आए और उन दोनों ने जो है अपने आप को पूरे देश ने स्वीकार कर लिया। दोनों ने अपनी लकीर बड़ी कर दी, उन्होंने न जाति बात किया न प्रांत बात किया। कहने का मतलब यह है कि आप दिल्ली में सिर्फ इसकी वजह यह नहीं है कि केजरीवाल क्यों जीतते, कई लोग कहते दिल्ली के लोग लोभी हैं, हम और आप भी दिल्ली एनसीआर नहीं है, कभी दिल्ली में रहे कभी एनसीआर, क्योंकि दायरा बढ़ता है तो हमने थोड़ा सस्ता पड़ा दिल्ली से तो हमने और आपने एनसीआर में रहना शुरू कर दिया। वजह इस चीज ये है कि इसका मतलब यह है कि दिल्ली बीजेपी के पास विकल्प नहीं है, उनको लगता है कि केजरीवाल के कद का नेता नहीं है। अब ये भ्रष्टाचार और मक्कारी और झूठ सामने आया, क्योंकि देखिए केजरीवाल अलग ढंग की पॉलिटिक्स करते हैं, केजरीवाल शातिर पॉलिटिशियन है, झूठ मतलब कई उपमाएं आप दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम ऐड देते हो, तुम जो है रैपिड रेल नहीं उनके लिए पैसा नहीं देते हो, तुम्हारा ऐड बंद हो जाएगा। उसने क्या किया, घुमा करके भगवंत मान को बैठा दिया, मतलब माल जो है वो टेलीविजन चैनल के लालाओं को चाहे आप इधर से पकड़िए उधर से पकड़िए। तो केजरीवाल आज तक आपने पैकेजिंग, आप इतने दिन टेलीविजन चैनल में एंकर रही हैं, आपने कोई पैकेजिंग कभी देखी कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ टीवी चैनलों पे कभी कोई पैकेजिंग चली कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ, मनीष सिसोदिया के खिलाफ, संजय सिंह के खिलाफ कोई पैकेजिंग खबर आई गई? मनीष जी आप ये सोचो कि अरविंद केजरीवाल एक 4 मिनट 19 सेकंड का प्रेस कॉन्फ्रेंस नाम से एक वीडियो भेज देता है, सारे चैनल्स प्रेस कॉन्फ्रेंस कहकर उसको चलाते लाइव की तरह, कोई ये रियलाइज नहीं करता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार तो बैठे नहीं है, माइक उसके सामने रखे नहीं है चैनल्स के, तो ये कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस है? तमाम चैनल कहते हैं कि आइए देखते हैं अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो इससे बड़ी चापलूसी और क्या हो सकती किसी पॉलिटिशियन के प्रति चैनल्स की? वो इसीलिए है कि भगवंत मान आजकल लंबी लंबी एड्स में नजर आ रहे हैं, तो पैसा इधर से नहीं तो उधर से जा रहा है। बिल्कुल, इसीलिए मैं अक्सर अंजलि मैं कहता हूं कि इस देश में मीडिया जो है ना, जैसे सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया के ऊपर जैसे कि यूट्यूब है, एक पब्लिक फंडेड होना चाहिए, जनता जिसको स्वीकार करेगी वो जर्नलिस्ट रहे। यदि सरकार और सिस्टम किसी भी तरीके से है, यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी चलाने लगेगी, अरे लालाओं की मजबूरी है, हमारा टेलीविजन चैनल इतने दिनों काम किया है, बहुत करते हैं टेलीविजन चैनल के, कई कई एंकर कई कई जो ऐसे लोग हैं इतने माल कमाते थे, कुछ लोगों को लगता था कि हमारे बिना टेलीविजन चैनल नहीं चलेगा, हम हाथ मसल मसल करके यूं करते हैं। अब सोचिए उनकी जगह पे कोई बच्ची आ गई लगता झटका मार करके, उससे बढ़िया मतलब ऐसे ही कहता लगता झटका मार करके उन चिरकतों से बढ़िया एंकरिंग कर रही है, उन्हें भ्रम था कि हमारे बिना चलेगा नहीं, मेरा सनसनी राज करा था कि मैं नंबर वन हूं नंबर वन रहूंगा, वो सनसनी फैलाने के अलावा कभी नंबर वन नहीं रहा, तो जिस चैनल में गया वो सबसे पीछे से फर्स्ट करता रहा, उसके निकलने के बाद ही चैनल थोड़ा सा विदेश का यूक्रेन और इधर उधर की वार दिखा करके अपनी औकात बना पाया। कहने का मतलब इन सबको ये भ्रम था, अब इन लोगों की इन लालाओं को पैसा करके एक नैरेटिव बना दिया गया, पब्लिक बहुत कुछ समझ नहीं पाती है। यदि हम लोग जैसे लोग पब्लिक मंच से बता नहीं पाए कि केजरीवाल के घोटाले क्या हैं, कितनी बेईमानी की गई है, तो पब्लिक को पता नहीं चले। ये जरूरत इस बात की है कि इन लोगों का सच सामने लाया जाए, क्योंकि आप देखिए नकली और असली वैसे तो कोई पहचान, आप तुम राम भक्ति का एक बन गए, कल को तुम कह रहे थे हॉस्पिटल बना दो, मेरी नानी कहती थी कि मैं ना भाई मैं ऐसे रामलला का दर्शन नहीं करना चाहूंगी, तो फिर तुम क्यों, तुम्हारी नानी तुम्हारा आदर्श था ना, तुम्हारी नानी कहती थी कि मस्जिद तोड़ करके मंदिर जो बनाया गया वहां मैं नहीं जाऊंगी, तो मस्जिद तोड़ के तो मंदिर बना हुआ है ना, तो क्यों जा रहे हो तुम? तो ऐसे ऐसे बदमिजाज लोगों के साथ इस देश की जनता को समझना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को भी केजरी से बहुत कुछ समझने की जरूरत है।
आप झूठ बेईमान नीच सब कुछ हो सकते हैं, केजरीवाल नहीं हो सकते। केजरीवाल होने के लिए बहुत कुछ घुटना पड़ता। देखिए एक और चीज आपको याद होगा, केजरीवाल को लगता था एक समय में तो नरेंद्र मोदी को जितनी गालियां देंगे हम उतनी बड़े हो जाएंगे, आसमान में जितना फूटेंगे जोर जोर से तो हम उतना। लेकिन केजरी ने एक स्ट्रेटजी बनाई, केजरीवाल को लगा कि नहीं, इस देश में नरेंद्र मोदी की अपनी अहमियत है। मुझे लगता है विपक्ष में किसी नेता ने इस सच को स्वीकार नहीं किया जो केजरीवाल ने स्वीकार किया। केजरीवाल इसीलिए केजरीवाल को इस चीज की क्रेडिट हमको और आपको देनी पड़ेगी कि केजरीवाल ने इस चीज को समझ लिया कि जनता का हीरो अरविंद के नरेंद्र मोदी है, एक बहुसंख्यक लोगों का। उसने जाति प्रांत मजहब से ऊपर उठ करके नेता है। शरद पवार ने अरविंद नरेंद्र मोदी के लिए कहा कि इस देश में पहली बार कोई ऐसा शख्स है इतनी हिम्मत कर पाया, मैं कभी नहीं कर पाता कि अपने स्टेट को छोड़ करके कोई आदमी दूसरे स्टेट में जा करके ये चाल ठोक ले कि मैं यहां से चुनाव लड़ूंगा, जो उन्होंने वाराणसी से किया। नरेंद्र मोदी ने हिम्मत दिखाई कि भारत का प्रधानमंत्री, भारत के सबसे पुरातन शहर, इस धरती पर यदि सबसे पुराना कोई शहर माना जाता है, कोई नगर माना जाता है, तो वो भगवान शिव की नगर नगरी काशी तो है। उन्होंने काशी को तय किया और वहां से प्रचंड बहुमत से जीते। ये जो चिरकुटों का गैंग है हाथ मसल मसल से कहता था कि नरेंद्र मोदी तो हार जाएंगे, वहां से नरेंद्र मोदी पलाना जीत जाएगा, ये लोग कितना पहचानते। बहुत लोग बड़ा सत्य सत्य भी तो बोलते थे ना, इन चिरकुटों को ये औकात कर दी गई। इस देश में कौन मंत्री बनता है, राज्य के मुख्यमंत्री कौन चयन करेंगे, जब तक घोषणा पार्टी नहीं कर देती कुछ नहीं पता चलता। और हमें आपको पता है कि संपादक हमारे क्या न्यूज रूम में आकर के माहौल बनाते थे। आज तो बस फोन आया था गृहमंत्री का, मैंने कहा नहीं मैं आज नहीं आ पाऊंगा, कल आऊंगा। मतलब हम इतने बड़े पत्रकार हैं, इन सब का नैरेटिव कटा। अरविंद केजरीवाल ने भी इसी चीज को किया। लेकिन केजरीवाल जिसे मैं कहता हूँ, केजरीवाल भारतीय राजनीति के सबसे शातिर, सबसे चालाक, सबसे धूर्ख, लेकिन फिर मैं कहूंगा मूर्ख हटा लेना पड़ेगा। वो आदमी मूर्ख नहीं है, वो सबसे शातिर है, सबसे धूर्त है, आप घटिया भी कह सकते हो उस आदमी के लिए। मैं कहता हूँ जो भी उपमाएं हो सकती है, मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं इसलिए कहता हूं अंजू जी कि मैं भी उस आदमी से 2011 में प्रभावित था। मुझे लगा कि एक व्यक्ति ईमानदार व्यक्ति आएगा। मुझे आप याद करो 2011 का वक्त हम सब चैनल्स में हुआ करते थे, हम लोग अन्ना हजारे का आंदोलन हम सब ने कितने क्लोजली फॉलो किया है, बिल्कुल जाते थे, बैठ के डिस्कशन होता था, तो तब तो हम सब लोग भी बड़े प्रभावित हो गए थे कि शायद एक ऐसा शख्स आया है जो काय पलट देगा राजनीति के। लेकिन फिर हुआ क्या? बिल्कुल, और इसीलिए गुस्सा आता है कि एक आदमी, देखिए आपको ना किसी नकारे से आपकी शिकायत नहीं होती है, शिकायत किससे होती है? घर में भी जो काबिल बेटा होता है ना, माँ बाप उसी से आस लगाए बैठे होते हैं, जो नकारा बेटा होता है उससे आस नहीं लगाते। तो इस आदमी ने एक उम्मीद देखी, इस आदमी ने उम्मीद की हत्या की है, इस आदमी ने बेईमानी भ्रष्टाचार के, लेकिन इससे बड़ा बेईमान, इससे बड़ा धूर्त, इससे बड़ा घटिया काम करने वाला एंटी, जो आदमी विधानसभा में कहता है मोदी जी पुलवामा कर रहे कि कितने 300 सीट के लिए क्या क्या करोगे, ये तो एंटी नेशनल आदमी है, इसे तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। इसीलिए ऐसे लोगों के छद्म विद्या से व्यक्ति से तरह के मूर्ख नहीं है, और मूर्ख लोग क्षम्य होते हैं अंजू जी, शातिर धूर्त घटिया लोग ये क्षम्य नहीं होते। मूर्ख लोग जो है ना उनको माफ किया जा सकता है, उनकी वो उस उन्होंने शातिरपना नहीं किया। ये व्यक्ति विधानसभा में खड़ा कहता कि मैं दिल्ली का राजा हूं, तुम हम आम आदमी हो, पब्लिकली कहते हो कि तुम्हें दिल्ली का राजा हूं, तो ये बताता है कि ये आदमी भारतीय, मुझे भारतीय राजनीति में इससे घटिया नेता नजर नहीं आता। तो ये आदमी ऐसे, मुझे तो कई बार लगता है कि इन लोगों को मैग्सेसे अवार्ड दे करके इनके कद को बढ़ाया गया, और कहीं ना कहीं किसी विदेशी एजेंडे से तो नहीं काम कर रहे हैं। सरकार को इन सब चीजों पर, क्योंकि सरकार बहुत पावरफुल है, बार बार प्रचंड बहुमत से चुनी जा रही है, तीसरी बार मुझे लगता है सुपर प्रचंड बहुमत से आपकी बात चुनी जाएगी। इसीलिए केजरी जान चुका हुआ है इस देश की जनता का मिजाज क्या है, इसीलिए वो कांग्रेस की तरह, आरजेडी की तरह, दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों की तरह केजरीवाल मूर्खतापूर्ण हरकत नहीं करते। पर मनीष जी, केजरीवाल आप ये देखो ना कि विधानसभा के अंदर खड़े होकर पीएम मोदी को लेकर चौथी फेल राजा की कहानी सुनाता है, किस तरह की घटिया बयानबाजी करता है,
विधानसभा के अंदर खड़े होकर, और उसके बाद आप याद करो बाहर निकला, पत्रकारों ने बोला, क्योंकि तब किसी ने लाइव नहीं दिखाया था, तो बोला कि आप बोलिए आपने अंदर क्या कहा था, तो एकदम से बोलता वो जो अंदर वाला था वही काट के दिखा दीजिए ना, क्योंकि उसको पता था अंदर बोला है तो उस पर तो कुछ हो नहीं सकता, अगर बाहर मुंह खोलूंगा इस तरह की बकवास करूंगा तो अभी केस लग जाएगा मानहानि का, जैसे अभी डिग्री वाला मामला लगा हुआ है। तो आप सोचिए कितने शातिर तरीके से बोला, वो अंदर वाला आपने नहीं दिखाया, उसी को काट के चला दीजिए ना। उसे पता है कि टेलीविजन पर चलाया तो जा सकता है, लेकिन इस पर कोई केस नहीं किया सकता। आप ठीक है, उसने अपनी जगह पर ठीक कहा कि भाई चलाने के लिए तुम्हारा पत्रकार का क्या काम है, पत्रकार का काम FIR कराना थोड़ी ना है, पत्रकार का काम सजा दिलाना थोड़ी ना है, पत्रकार का काम क्या है, जो होना है उसे दिखाना है। उसने पत्रकार को सही, उसने अपनी धूर्तता से पत्रकार को सही कह दिया, भाई वही चला दो ना, क्योंकि उसे पता है कि उस पर बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए केजरीवाल को समझना थोड़ा मुश्किल है। पर एक चीज और है, केजरीवाल अगर उनको वाकई सनातनियों से इतना प्यार था तो जब इतनी गालियां दे रहे थे डीएमके के नेता, वो उदयनिधि स्टालिन सनातन को लेकर क्या कुछ कह रहे थे, डेंगू और मलेरिया का मच्छर तक बता रहे थे जिसे खत्म करना चाहिए, तब अरविंद केजरीवाल ने जुबान क्यों नहीं खोली, तब क्यों नहीं किनारा कर लिया, अगर इसको बड़ा सनातन से प्यार था, भव्य रंग से बहुत प्यार था, तब करता ना, तब दिखाता कि मैं नहीं जाता इनके साथ, जी ऐसे कह रहे। एकदम सही कह रही हैं आप कि देखिए यदि सचमुच सनातन से प्रेम है, सचमुच प्रभु राम से प्रेम है, सचमुच रामायण में आस्था है, इसे कहना चाहिए स्वामी प्रसाद मौर्य गलत बोल रहा है, फिर ये कह के नहीं हम तो किसी की फटी में पांव नहीं डालते, तुम सबके फटी में ही सिर्फ पांव डालते, तुम्हारा और कोई काम नहीं है, तुम दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, नेशनल टेलीविजन पे 24 घंटा छाए रहते हो, तुम हर जगह की बातें करते हो, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य राम रामायण पर इतना कुछ बोला गया तुमने, इसका मतलब ये है कि इसे इन सब चीजों से मतलब नहीं, इसे तुष्टिकरण का वोट थोक में चाहिए, लेकिन इसे पता है कि दिल्ली के तुष्टिकरण के वोट की लाचारी है, विकल्प नहीं है ना, दिल्ली में तीसरी कोई पार्टी नहीं है, इसे पता है कि कांग्रेस पार्टी इतनी नकारी हो चुकी हुई है कि मुस्लिम, मेरे कई मुस्लिम दोस्त थे, मैं सुप्रीम कोर्ट में जब कवर करता था तो मुझे याद है, नाम लेना ठीक नहीं है क्योंकि बहुत एक दो ही थे, तो वो उस समय बहुत क्रोध में होते थे अरविंद केजरीवाल के लिए, 2013 में 1% मुस्लिम वोट भी अरविंद केजरीवाल को नहीं मिला, बहुत मैं कई बार इसका जिक्र करता हूं कि 2013 में 1% मुस्लिम वोट भी अरविंद केजरीवाल को नहीं मिला, लेकिन 2015 में लगभग 100% मिला, ये कैसे कायाकल्प हुआ, क्योंकि तुष्टिकरण के वोट को ही पता चल गया कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब है अपने वोट को बेकार करना, बीजेपी आ जाएगी, इसीलिए कि पूरा का पूरा, इसी आज भी केजरीवाल से वो कांग्रेस समाजवादी पार्टी या लालू यादव की तरह केजरीवाल से तुष्टिकरण का वोट खुश नहीं है, उसने एक व्यक्ति को एजेंडा दिया हुआ है कि दिल्ली की जमीन को लूटो, बांग्लादेशियों को दे दो, म्यांमारियों को दे दो, और एक नैरेटिव पैदा करो कि हाँ हम जो है दिल्ली पर पूरा इस्लामिक राज्य कायम करना चाहते हैं, वरना दिल्ली में शाहीन बाग क्यों हुआ, बिना सरकार की अनुमति के नहीं हो सकता। अंजू जी मैं बार बार एक चीज कहता हूं, देखिए एनडीए गठबंधन इंडिया एनडीए गठबंधन बिहार में था, अग्निवीर के लेकर के को लेकर के बहुत गंभीर बात कर रहा हूं, अग्निवीर को लेकर के देश भर में आंदोलन हुए, रेलवे सिर्फ बिहार में फूंका गया, वहां जहां नरेंद्र मोदी की सरकार गठबंधन की थी, नीतीश कुमार वहां मुख्यमंत्री थे, उसी ढंग की हल्की सी घटना वाराणसी के आसपास हुई, एक दिन में डीएम ने कहा कि सबको अंदर करूंगा प्रयागराज में, वो इसलिए हुआ कि नीतीश कुमार को पैंतरा बदलना था, आज भी पैंतरा बदल रहे हैं वैसे, पैंतरा बदलना था उसे लालू के, तब लालू को दिखाया कि सत्ता जब रहेगी तो गुंडागर्दी कर सकते हो, सत्ता रहेगी तो जेल तुम जब जाओगे पूरे पुनरे के साथ तो गुंडागर्दी हम लोग करवा लेंगे, सत्ता नहीं रहेगी कुछ नहीं कर पाओगे, नीतीश को पिंड छुड़ाना था, उन्हें दिखाया कि देखो चारा घोटाला में जेल गए थे अब इसमें जेल जाओगे, इसीलिए सत्ता जरूरी है, लालू को लगा था सही बात है सत्ता जरूरी है, वरना अग्निवीर पूरे देश में अग्निवीर तो हर जगह लागू होना था, बिहार में क्यों रेलवे की करोड़ों अरबों की संपत्ति जला दी गई, क्या बिहार मतलब बिहार के लिए अग्निवीर लागू हो रहा था क्या, ये बता दो, क्यों मैं इशारा इसलिए कर रहा हूं कि जब आपके पास सत्ता होती है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, सत्ता इसीलिए आज भी जो विदर्भवती दे रहे हैं नीतीश कुमार और लालू इस कदर नाचार है, लालू को पता है इसकी औकात 40 विधायक की नहीं है, मैं 80 विधायक वाला आदमी हूं फिर भी मुझे विदर्भवती दे रहा है, लेकिन लालू कुछ नहीं कर सकते क्योंकि लालू को पता है सत्ता जाएगी
और तब जब जेल जाएंगे तो कोई माए बाप बचा नहीं पाएगा, लेकिन जब सत्ता रहेगी थोड़ा उपद्रव भी कर लेंगे, थोड़ा कुछ ड्रामेबाजी भी हो जाएगी। वैसे सोशल मीडिया के बारे में हम बहुत कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कैमरे हर जगह लगे होते हैं, हर किसी के पास मोबाइल है। अब वो 20 साल पुराना दौर नहीं है 15 साल की, हाँ हम लोग जहाँ कैमरा लेके जाएंगे वहीं वहीं का चीज दिखेगा। अब तो हर जगह का चीज सब कुछ दिख जाता है, इसलिए चीजें थोड़ी अलग है। पर आपको जिस तरह से किनारा किया कांग्रेस से पंजाब में आम आदमी पार्टी ने, क्या लग रहा है इसलिए किया क्योंकि उनको लग रहा है कि कांग्रेस के साथ रहने में कोई फायदा नहीं है, या फिर इसलिए क्या कि कांग्रेस ने कांग्रेस को रामद्रोही कहा जा रहा है, कांग्रेस के नेताओं ने तो प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर दिया, क्या उसको देखकर कि लगा कि अगर मैं कांग्रेस के साथ रहूंगा तो नुकसान होगा, या कुछ और वजह की पीछा छुड़ाना था तो कोई भी बहाना बना के केजरीवाल ने किनारा कर लिया? क्योंकि बठिंडा में तो बहुत पहले कह दिया था केजरीवाल ने कि हम 13 की 13 सीटों पर पंजाब में अपने उम्मीदवार उतारेंगे। देखिए जब वोट बैंक दोनों का एक है, जब दोनों का वोट बैंक एक है तो क्यों आप यही फॉर्मूला तो उत्तर प्रदेश में समाजवादियों के साथ लगता है, समाजवादी पार्टी क्यों कांग्रेस को जगह देगी? भाई तुम्हारा पारंपरिक सीट अमेठी तुम गमा गए, रायबरेली तुम हारोगे ही हारोगे, इसलिए ऐसे नहीं कह रहा हूं हारोगे ही हारोगे, रायबरेली में आपके पास एक विधायक नहीं है, एकमात्र विधायक है, पूरे प्रदेश में आपके पास एमएलए नहीं है, तो समाजवादी पार्टी अपने कोटा का सीट आपको क्यों दे देगी? अब रही बात दिल्ली की, दिल्ली में जो व्यक्ति 67-67 एमएलए जिता के ला सकता है तो क्यों कांग्रेस को जगह देगा? नहीं देना चाहिए। हम भी यदि उसके जगह पर रहेंगे तो क्यों देंगे भाई? अपने हिस्से का पॉलिटिक्स में अपने हिस्से का चीज क्यों देगा? और दूसरी चीज आपका पॉइंट ये महत्वपूर्ण है, कांग्रेस ने अपनी छवि एंटी हिंदू की बना ली है पारंपरिक, और मेरा मानना है कि कांग्रेस को पसंद वही कर सकता है आज की तारीख में, हो सकता है किसी को अतिशयोक्ति लगे, जिसका व्यक्तिगत कहीं ना कहीं स्वार्थ वाला है। मेरे कई सीनियर साथी थे जब मैं कांग्रेस कवर करता था, मेरे बिहार प्रांत के थे, मुझे कहते थे मनीष जी एक बार कांग्रेस आ गई ना, उस समय कांग्रेस रिपोर्टिंग करता था, एक बार कांग्रेस आ गई ना हम लोग सब आदमी सेट हो जाएंगे। मैंने अपने चैनल पे कई बार ये बात कही है, ये जो सेट होने की मानसिकता है ना अंजू जी, हम सब सेट हो जाएंगे। मेरे कई साथी हैं जो यहाँ अलग नैरेटिव चलाने आए, फिर उनको लगा कि हम सेट नहीं हो पाए, सरकार ने हमें कोई जिम्मेदारी नहीं दी, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कहीं ना कहीं स्टेट में कुछ ना कुछ जिम्मेवारी पा गए हैं, बहुत सारे ऐसे जो उन्होंने प्रयास किया उनको कुछ नहीं मिला, वो निराश होकर के, जब हमें इस बात का लालच ही नहीं रहेगा कि हम इस चीज से, हम जब स्वांत अपने लिए करें, मुझे लगता है कि मैं जब कुछ भी नैरेटिव बनाता हूं मैं नेशन के हित में बनाता हूं, मुझे लगता है कि एक व्यक्ति नेशन के लिए काम अच्छा कर रहा है, हमें उसके साथ खड़े होने की जरूरत है, उसके साथ खड़े होते तो हमें लगता है नेशन के साथ खड़े, क्योंकि मुझे लगता है कि नेशन के साथ खड़ा है। जिस दिन हमें लगेगा कि आगे नेशन के साथ खड़ा नहीं है तो हम अपनी दिशा बदल सकते हैं। लेकिन इसलिए भाई जो व्यक्ति अपने भाई के लिए कुछ नहीं किया, जिस आदमी ने सिर्फ राष्ट्र के लिए किया, जिसका पूरा परिवार और अपनों के लिए कुछ नहीं किया, उससे आप ये उम्मीद क्यों करते हैं कि चार बार आप उसके लिए कुछ वीडियो विश्लेषण कर लेंगे तो आप नहीं सेट हो जाएंगे? ये सेट होने की मानसिकता कांग्रेस में है। मैंने कई तो अपनी इतने दिन कांग्रेस कवर किया, कई कई ऐसे पत्रकार थे जिनकी नौकरी चली जाती थी, मैं चूंकि कोर टीम में बैठा करता था, सबको पता था कांग्रेस प्लेट की भाई मनीष ठाकुर जो है वो मतलब थोड़ी दूसरी विचार का रखता है, लेकिन मैं अपने कुछ साथियों के साथ अहमद पटेल के साथ बैठा करता था, वहां नैरेटिव बदलता था कि फलाना की नौकरी चली गई है, इतना रुपए पर महीने किसी ना किसी बिजनेसमैन को दे दे, ये चीजें बीजेपी में नहीं होती है और नहीं होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए? लेकिन वो आप समझिए कि यदि कट्टर संघ का भी कोई पत्रकार रहा होगा, चार महीने जिसकी सैलरी बंद हो गई, नौकरी चली गई, उसका यदि किचन का खर्च दे दिया गया तो समझिए हमेशा के लिए उसका वफादार हो गया, ऐसे बहुत सारे वफादार हैं। तो ये चीजें जो चलती है ना, उससे ये लगता है कि नैरेटिव कैसे बदली जाती है, चीजें किस लिए बदली जाती है, यही वजह है कि आप उसके बाद आप भोकू बन जाते हैं। उन्हीं भोकुओं के बदल से कांग्रेस को लगता रहा कि हम बिल्कुल हम अभी डूब नहीं रहे पानी में, सब कुछ ठीक चल रहा है। दरअसल सच ये है कि आपको वो गुमराह करते, जितने यूट्यूब पे जितने खलियर खड़ाती हैं, आप देखिए कि इतने बड़े बड़े पत्रकार हैं, इनने कांग्रेस को भ्रम में डाला हुआ है। आप अच्छे यदि मित्र हैं, शुभचिंतक हैं, तो आप सच बताइए कि आपने जमीन खो दी है। जो सच एके एंटनी ने बताई थी कि कांग्रेस इसलिए हारी क्योंकि कांग्रेस की छवि देश में एंटी हिंदू की बन गई। एंटनी कमेटी की रिपोर्ट है अंजू जी, लेकिन कांग्रेस ने एंटनी कमेटी बनाई तो सोनिया गांधी ने, उस पर अमल नहीं किया, उसी एंटनी कमेटी को साइड कर दिया। तो जब आप अपने शुभचिंतक नहीं पालेंगे, जब निंदक नियरे नहीं रखेंगे, तो वही गत होगी जो कांग्रेस की गत हो रही है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, क्योंकि आपका शोक केजरीवाल को लेकर के है, केजरीवाल इतने मूर्ख नहीं है जितने कांग्रेस,
केजरीवाल आंख मूंद लेकिन चेक कहता ना कि वो अंधेरा नहीं समझ लेते कि आंख मूंद लिया तो अंधेरा हो गया, जो कांग्रेस समझती है, कांग्रेस के खैराती जो समझाते हैं। केजरीवाल ने अपने खैराती नहीं पाले हैं। केजरीवाल टेलीविजन चैनलों को पैसा देके कहा मेरे लिए बजाओ, लेकिन हम तुम्हारी सलाह नहीं मानेंगे। वो इन चिरपुटों की सलाह नहीं मानता। देखिए धक्के मार के पुण्य प्रसून वाजपेयी पर कहा गया कितनी चापलूसी की, वीडियो में सब सामने आ गया था। आप तो अपने नाम के पीछे भुक्ता लगा लिया, शर्म लज्जा नहीं आती इन लोगों को, जीवन भर आशुतोष रहा वहां जाके भुक्ता बन गया वो, लेकिन घास नहीं दिया अरविंद केजरीवाल ने। ये फर्क है अरविंद केजरीवाल के लिए। पर मनीष जी, अरविंद केजरीवाल तो एक ऐसा नेता है जिसने की जो संस्थापक थे ना पार्टी के, उन सबको भी बाहर कर दिया था। याद करो कितने सबको धक्के मार मार के बाहर कर दिया, मार्शल से बाहर फेंकवा दिया था, सब उन लोगों को बाहर कर दिया था जो कभी चुनौती बन सकते थे अरविंद केजरीवाल के लिए, जो सवाल उठा सकते थे अरविंद केजरीवाल की क्षमता पर, जो कह सकते थे कि भैया तुम दो दो पोस्ट पे क्यों बैठे हो, तुम संयोजक भी बने हुए और सीएम भी बने हुए। तो उसने उन सबसे किनारा कर लिया। यही एक शातिर राजनेता की निशानी होती है कि आसपास उसने, खुद वो मूर्ख नहीं है लेकिन अपने आसपास उसने मूर्ख इकट्ठे कर रखे ताकि उसकी चले, और इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये जो नया पैंथरा बदला है, राम भक्त बन गए हैं, अब प्राण प्रतिष्ठा की बात करें, अगर प्राण प्रतिष्ठा को वाकई मान रहे थे तो उसी दिन एक ट्वीट कर देते पीएम मोदी को बधाई देते हुए देश की जनता को, लेकिन वो नहीं किया, अब कर रहे हैं। तो अभी लोग समझते हैं, लोग मूर्ख नहीं है। लोग एक बार मूर्ख बनाए जा सकते हैं लेकिन बार बार तो नहीं दिल्ली की जनता को मूर्ख बना सकते अरविंद केजरीवाल। तो देखते हैं राम भक्ति का असर क्या होता है लोकसभा चुनाव तक। लेकिन आपने अरविंद केजरीवाल के जो तमाम तरह के पैंतरे हैं, जिस तरह की राजनीति वो करते हैं, उसके बारे में जो विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी मनीष जी, मेरे लिए आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम। नमस्कार, जय श्री राम।